आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के Pixel Plus UI के 3.7 ऑफिशियल Android 11 अपडेट के बारे में। और इस अपडेट में जो है काफ़ी सारी चेंजेस आपको देखने को मिल जाती हैं, साथ साथ कुछ फीचर्स हैं जो कि रिमूव किए गए इस अपडेट के अंदर, लेकिन उसकी जगह कुछ ऐड भी हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ साथ थोड़ा बहुत आपको इंटरफेस भी चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन बैटरी और हमारा परफॉर्मेंस जो है और साथ साथ एंटूटू स्कोर में क्या फ़र्क पड़े हैं वो भी बताऊंगा। बस आप लास्ट तक वीडियो देखना, बाकी 3.6 का अपडेट जो कि पिछला था वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इस अपडेट में हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो जैसे कि अगर आप वर्ज़न देखोगे 3.7 है, रैग्नारोक देखने को मिल जाता है, बाकी डिवाइस नेम मेंटेनर नेम मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन हमारा जो है 11 है। सिक्योरिटी पैच 5 जुलाई 2021 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलती है। और कर्नल देखोगे तो यहाँ पे मूनलाइट का कर्नल सिर्फ आप देखने को मिल जाता है, पहले वॉकर एडिशन था और एक्स जो कि मूनलाइट साथ में थे, तो यहाँ पे फिलहाल अभी सिर्फ मूनलाइट देखने को मिलता है। बाकी हमारा सेलिनक्स पहले की तरह इन्फोर्सिंग देखने को मिल जाता है। वहीं सेटिंग में आप सर्च बार देखोगे तो पहले से अलग काफ़ी राउंडेड है पहले से, और ऊपर हमारा जो है यूज़र नेम मिल रहा है, पहले जो है सेटिंग्स लिखा हुआ रहता था। एंड साथ साथ अगर आप किसी टाइप सेटिंग में जाते हो तो हेडर MIUI जैसा आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से ऊपर, अब पहले इस तरीके से नहीं था, नॉर्मल था बिल्कुल, अब आपको हेडर नेम देखने को मिलता है। साथ साथ आप आओगे किसी भी सेटिंग में जो स्विच स्टाइल होता है जो कि टोगल इनेबल डिसेबल वाले, वो आपको एंड्रॉइड 12 जैसे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो स्टाइल है यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो ये कुछ इस तरीके से आप देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स से, सबसे पहले चलते हैं इसके कनेक्टेड डिवाइस के अंदर। तो कनेक्टेड डिवाइस में अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पहले जो है कनेक्शन प्रेफरेंस में हमें देखने को मिलता था कास्ट एंड प्रिंटिंग, अभी बाहर देखने को मिल रहा है। हालांकि कास्ट जो है वर्किंग मिलता है, पिछले अपडेट में भी वर्किंग था। और यहाँ पे पिक्सलाइजर जो दिया गया है इसके अंदर भी आप देखोगे तो पिक्सल प्लस UI के जो है यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है, मेंटेनर एम सारी चीज़ें, पहले स्टेटस बार था यहाँ पे, फिलहाल अब ये चीज़ जो है देखने को मिल जाता है। वहीं स्टेटस बार के अंदर देखोगे तो ऊपर के तीन ऑप्शन आपके सेम मिल जाते हैं, लेकिन आपका बैटरी इंडिकेटर जो ऑप्शन है ये पूरा का पूरा न्यू है। अब आप बैटरी स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर पाओगे, बैटरी परसेंटेज भी, और यहाँ पे आपका बैटरी लोकेशन भी दिया गया। पहले यहाँ पे नीचे देखने को मिलता था वोल्टी आइकन स्टाइल मिलता था, जिसमें पिछले अपडेट में वीवो का वोल्टी आइकन ऐड हुआ था, हालांकि पूरा ऑप्शन ही रिमूव किया गया अभी फिलहाल। और क्विक सेटिंग्स के अंदर आपका ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, टेंट QS स्टाइल हो गया पहले की तरह है, लेकिन आपका कॉलम एंड्रो सेटिंग पूरा पूरा न्यू है। साथ साथ शो टाइल एंड टाइटल जो ऑप्शन है ये आपको न्यू मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको इस अपडेट में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, पहले वाला है, लेकिन एक्स्ट्राज में आपका पावर मेन्यू तो आपको बिल्कुल पहले की तरह मिल जाता है, इसके अंदर आपको चेंजेस नहीं मिलता। आपका जो एडवांस रिस्टार्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके जो है आपको मिल जाता है, इनेबल करना पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ पे तो आपको चेंजेस नहीं मिलता। लेकिन आपका जो हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम स्टाइल की, ये पहले से था, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम स्टाइल में आपको सेफ शिफ्ट का जो वॉल्यूम स्टाइल है ये जो है न्यू मिलने वाला है। यहाँ पे एक वॉल्यूम स्टाइल जो है इसके अंदर न्यू ऐड किया गया था, आप देख सकते हो सेफ शिफ्ट वाला वॉल्यूम स्टाइल अब आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे गेमिंग मोड जो कि ऐड कर दिया गया फाइनली यहाँ पे इसके अंदर, तो गेमिंग मोड आपको मिलने वाला है जो कि कुछ इस तरीके से सेटिंग्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे। साथ साथ हेडसअप वाला जो ऑप्शन है ये भी आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं बैटरी में, तो बैटरी में यहाँ पे पहले परसेंटेज इनेबल कर डिसेबल करने के लिए दिया गया था, अभी पूरी सेटिंग्स दे दी गई है कस्टमाइजेशन में, फिलहाल वो रिमूव है यहाँ से। और स्मार्ट कट ऑफ जो है पहले रिमूव कर दिया गया था पिछले अपडेट में, और स्मार्ट चार्जिंग भी तो इस अपडेट में वापस से दोनों ही ऐड कर दिया गया है। और यहीं पे टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग का एक ऑप्शन था उसको रिमूव किया गया इस अपडेट में, लेकिन बैटरी परसेंटेज जो कि यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर जो है वो ऐड कर दिया गया है। बैटरी की बात करें 2 आवर फुल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 63% बैटरी हमें इस अपडेट में देखने को मिली है, और पिछले अपडेट में 61% है, तो बैटरी यहाँ पे ज़रूर इस अपडेट के अंदर इम्प्रूव हुई है थोड़ी सी आपकी, तो ये चीज़ जो है इम्प्रूव आपको मिल जाता है यहाँ पे। और डिस्प्ले के अंदर हालांकि आपका चेंजेस नहीं मिलता, बस हेडर जो कि चेंज हुआ, बाकी आइकन जो कि ट्यूनर है ये भी आपको पूरा का पूरा पहले जैसा ही देखने को मिल जाता है। और अगर आप नीचे देखोगे लाइव डिस्प्ले हो गया, तो यहाँ पे अगर आपका येलो रहे तो सिंपली स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे भी आपको ऐसे कोई चेंजेस नहीं मिलता। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में अगर आप जाते हो तो स्टाइल नहीं चेंज है, ग्रिड भी आपका सेम मिल जाता है, लेकिन क्लॉक स्टाइल में अगर आप देखोगे तो फ्लूइड वाला जो वर्जन 2 देखने को मिलता है उसके आगे जितने भी क्लॉक आपको मिलती हैं ये सारी की सारी न्यू देखने को मिल जाती है जो कि इस अपडेट में ऐड कर दी गई हैं। साथ साथ पिक्सल प्लस UI वाला भी जो है क्लॉक स्टाइल ऐड किया गया, और ये जो है फिलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो ये वाला जो है यहाँ पे अच्छा लगता है। एंड्रॉइड S वाला भी ऐड हुआ है, और साथ साथ बाय डिफ़ॉल्ट अब आपका जो वॉलपेपर है ये रहने वाला है, तो ये भी न्यू आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ये चेंज आपको यहाँ पे मिलता है, अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे आपका जैसे कि लॉक स्क्रीन हो गया, इसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, और बाहर भी आपका डबल टैप ये सारी चीज़ें पहले से ही थी। साउंड के अंदर अगर आप जाते हो तो साउंड की भी पूरी सेटिंग सेम ही मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कि अलग अलग सेक्शन बना रहता है अदर साउंड एंड वाइब्रेशन, तो उस पर पहले एक लाइन रहता थी वो रिमूव हो चुकी है, बाकी सेक्शन अभी भी देखने को मिल जाता है, और कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं है।
और अगर हम यहाँ पे चलते हैं जैसे कि सिक्योरिटी के अंदर, तो अब अगर आप देखोगे तो फेस अनलॉक जो है रिमूव हो चुका है इस अपडेट के अंदर। फेस अनलॉक नहीं है, फिंगरप्रिंट और ऐप लॉकर देखने को मिल जाता है। हालांकि सेटिंग आपकी पूरी सेम रहने वाली है। वहीं अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, फिंगरप्रिंट का जो रिस्पॉन्स है पहले भी जो है काफ़ी अच्छा हुआ करता था, और अभी भी जो है आप देख सकते हो रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा वाला देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल फेस अनलॉक रिमूव है, मे बी आगे फ्यूचर अपडेट में ऐड कर दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाती है। और आपका जो डिजिटल बेलबिंग है ये भी फिलहाल पहले की तरह ही आपको मिल जाता है पूरी तरीके से। वायर्ड पार्ट्स भी आपका एक एक ऑप्शन आपका जैसा पहले था उसी तरीके से सेम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें पहले की तरह ही आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे MI साउंड एनहांसर जो कि डायरेक्ट साउंड एनहांसर दिया गया है, ये अभी भी मेरा काम नहीं कर रहा था। किसी काम करता है तो कमेंट करके ज़रूर ये चीज़ बता दीजिएगा। बाकी सेटिंग आपकी पूरी सेम रहती है। वहीं अगर हम सिस्टम में चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो जेस्चर है इसके अंदर सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस नहीं मिलती है, पूरी सेटिंग सेम है। आप 3 बटन नेविगेशन जो है आराम से यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन जैसे कि मिलता है वो पहले की तरह मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस नहीं मिलती है। बाहर आपका स्वाइप टू स्क्रीनशॉट जैसे कि मिल जाता है, पावर मेन्यू मिल जाता है, तो ये पूरी सेटिंग्स पहले जैसी है। हाँ, यहाँ पे इस बार एक चीज़ है कि बैक करते जो है कभी कभार यहाँ पे जो है क्लोज़ हो जाता है, ये आप देख सकते हो स्टॉपिंग वाला जो देखने को मिलता है। हालांकि इससे कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ शो करता है, लेकिन कभी कभार हमेशा देखने को ये चीज़ नहीं मिलता है। बाकी आपकी सेटिंग सेम है, अपडेटर भी आपको जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम चले स्टेटस बार की तरफ, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है कि यहाँ पे ऊपर तो आपको क्लॉक स्टाइल ये सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन अगर आप टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे आपका गेमिंग मोड वाला जो टाइल्स है आप देखोगे लास्ट में, तो ये आपको न्यू मिल जाता है। बाकी जितने भी आपको टाइल मिलते हैं पहले वाले हैं। और हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये भी हालांकि आपका पहले जैसा ही यहाँ पे काम कर रहा था, इसको भी आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसका भी जो है ये बिल्कुल अच्छे से पहले जैसा ही काम कर रहा है। लैग देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि पहले के अपडेट्स में था। और वॉल्यूम एंड पावर मेन्यू ऑलरेडी आपको दिखाई दिया। ऐप ओपनिंग की बात करें तो ऐप ओपनिंग भी जो है काफ़ी फास्ट और काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, तो इसके अंदर हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलता। ये जो है काफ़ी तरीके से काम कर रहा है। नीचे आपका रीसेंट में भी सेम मिल जाता है। हालांकि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, बाकी ऑप्शन सारे सेम मिलते हैं। और कैमरे के अंदर क्या है कि कैमरे के अंदर जो है आपका यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो यहाँ पे जो है क्रैश कर जाता है, प्रॉब्लम करता है, तो कैसे फिक्स करना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी स्टॉप करूँगा तो यहाँ पे जो है आपका ये एक प्रॉब्लम आता है कैमरा एरर का। हालांकि आपकी वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जा रही है, लेकिन ये एरर वाला ऑप्शन आता है। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको सेटिंग में इमेज स्टेबिलाइजेशन दिया गया तो इसको ऑफ कर देना। हालांकि पिछले अपडेट में इस ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया था लेकिन वापस दिया गया है, तो आप इसे जो है ऑफ कर देना, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। ये जो है आप ऑफ कर देना। और आपका जैसे कि GCam आप जैसे कि यूज़ करते हो उसी तरीके से यूज़ कर पाओगे, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे आपका FM मिल जाता है, पिक्सल प्लस का जैसे कि वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं पहले की तरह, तो यहाँ पे कुछ न्यू वॉलपेपर्स भी अब आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और यहाँ पे पल्स वाला म्यूज़िक मिल जाता है, बाकी GApps इंक्लूडेड के साथ आता है ये रोम। और यहाँ पे आपका जो प्ले स्टोर है ये भी बिल्कुल सर्टिफाइड है, सेफ्टी नेट आपको पास मिलता है, तो आप आराम से जो है यहाँ पे बैंकिंग ऐप्स को भी यूज़ कर पाओगे, आपका जो है प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है। वहीं अगर हम चले कॉलिंग के अंदर, तो कॉलिंग के अंदर आपका यहाँ पे वॉल्ट ही काम करता है, वीडियो कॉल काम नहीं करता, तो वीडियो कॉल के लिए आपको जो है थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा जैसे व्हाट्सएप ड्यू हो गया, इन सभी से कर पाओगे। बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम करता है। एंटूटू स्कोर अगर आप देखोगे तो 1,58,000 हमें देखने को मिल जाता है, जबकि पिछले अपडेट में 1,49,000 के करीब था। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एंटूटू स्कोर हमारा जो है इम्प्रूव हुआ है। अगर हम चले यहाँ पे गेम के अंदर, तो हमारा जो गेम की सेटिंग्स है जैसे कि BGMI की, ये फिलहाल आपका यहाँ पे स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई जैसा कि पहले मिलता था उसी तरीके से मिल जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है, तो परफॉर्मेंस में आपके ज़रूर यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव हुआ है। हालांकि पिछले अपडेट में जैसे कि बताया था कि पिछले अपडेट में जो है डाउन हुई थी हल्का परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ पे वापस से आपको इंप्रूव के साथ देखने को मिलने वाली, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इंप्रूव ज़रूर हुई है पिछले अपडेट से, आपको ज़रूर यहाँ पे बेटर मिल जाएगा। आपका यहाँ पे सिस्टम जो कि आपका पूरा का पूरा हो गया, इस रोम का आपका जैसे कि UI हो गया, इंटरफेस आपका जो है चेंज हुआ है, साथ साथ UI भी आपकी पहले से थोड़ी बेटर आपको देखने को मिल जाती है। और आपका जो गेमिंग है वो ज़रूर यहाँ पे पहले से आपको बेटर मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि आप एंटूटू स्कोर भी देख सकते हो कि करीब यहाँ पे 1,58,000 आपको देखने को मिलता है, तो स्कोर जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाता है। तो इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर इसके अंदर मिल जाएगी, कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं, लेकिन आपका जो ऐसे कि बोल्टी का जो ऑप्शन स्टाइल दिया गया है वो पूरा रिमूव हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोल्टी आइकन अभी भी आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि बोल्टी आइकन शो ही नहीं करेगा, बोल्टी आइकन शो करता है, बस आप बोल्टी आइकन स्टाइल चेंज नहीं कर पाओगे। बैटरी का सिर्फ परसेंटेज इनेबल करने के लिए पहले हुआ करता था, लेकिन अभी आपको बैटरी का पूरा स्टाइल आपको चेंज करने के लिए दे दिया गया, बैटरी लोकेशन, ये चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये चेंजेस हैं जो कि आपको इस अपडेट में मिलती हैं।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।